नमस्ते दोस्तों, मैं शोभा गुप्ता आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आप सब कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सब ने अपने घर पे दिवाली की सफाई की शुरुआत कर ली होगी और मैंने भी शुरुआत कर लिया। तो छोटा सा ब्लॉग मैंने बनाया है, ब्लॉग भी नहीं कह सकती, मिनी ब्लॉग से भी मिनी ब्लॉग है, और ये सब आपके साथ शेयर कर रही हूँ और साथ ही कुछ बातें भी कर लूंगी। तो देखिए, सारे जो आपको दिख रहे हैं ना, ये सिर्फ कपड़े अभी दिख रहे हैं क्योंकि मैंने शुरुआत किया है कपड़ों से। कपड़े जो साल भर में इकट्ठे हो गए हैं, जिनके घर में बच्चे होते हैं, आप जानते हैं बच्चे कितनी तेजी से बढ़ने लगते हैं और उनके कपड़े होने लगते हैं छोटे, तो मैं उन्हें साइड करके उस तरह से पैकेट पे रखते गई हूँ। तो अभी ये दिवाली तो मैं सोच रही हूँ कि इनमें से जो कपड़े मुझे नहीं रखने हैं, जैसे किसी को मैं दे दूँ, किसी जरूरतमंद को दे दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है ना। जैसे मेरे हाउस हेल्पर्स लोग आती हैं तो उनके बच्चों को दे दूँ, या किसी को भी जैसे लगे तो मैं उन्हें दे देती हूँ। तो यहाँ पर सब मैं इस तरह से निकाल ले रही हूँ, और इसमें से मैं कुछ ठंड के कपड़े हैं जो अलग कर दूंगी। अभी तो हमारे उड़ीसा में वैसे ठंड आया नहीं है, क्या आपके यहाँ ठंड आ गया? हमारे यहाँ तो अभी बिल्कुल भी उतनी ठंड हमें महसूस नहीं हो रही, लेकिन शायद 1 या 2 दिन में ठंड आ जाए। तो मैं यहाँ ठंड के कपड़े अलग से निकाल लूंगी उन्हें धोने के लिए, और इस तरह से सारे कपड़े को मैं निकाल के अलग अलग कर लूंगी, उनकी अलग अलग कैटेगरी में डाल लूंगी। इसलिए पहले निकाल ले रही हूँ, और साथ ही देखिए कितने क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे कपड़े दिख रहे हैं मेरे बच्चों के। मैं कुछ कपड़े रख लेती हूँ उनके निशानी पर, कि बहुत अच्छे लगते हैं ना छोटे छोटे कपड़े, यूँ देखना कि मेरे बच्चे कितने छोटे भी थे कभी। और बहुत सारे कपड़े जो होते हैं ना, तो मैं उन्हें जो भी जिनके जैसे बेबी डिलीवरी होते हैं ना, तो हमारे यहाँ कुछ दिन तक पुराना कपड़ा पहनाते हैं। आप लोग बताइएगा आप लोग के यहाँ कैसे क्या करते हैं? तो हमारे यहाँ पुराने कपड़े को ही पहनाते हैं, तो मैं उन्हें भी दे देती हूँ। बहुत सारे कपड़े इस तरह से मैंने दे दिए, देखिए अभी अभी सारा फैल गया है। अब इसमें से मुझे करनी है छटाई सारे कपड़ों की, तो ये मुझे मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटा लगा था ये पूरा करने में। तो आप सब भी अपनी दिवाली की सफाई शुरू कर लिए होंगे, ज़्यादा दिन बचा नहीं है। तो मैं भी अपने छोटे छोटे जिस तरह से मैं भी सफाई करूंगी, तो मिनी मिनी ब्लॉग आपके साथ शेयर करूंगी। आप सब प्लीज मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, मेरे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर सारा कुछ हो चुका है मेरा, सब कुछ अलग अलग मैंने यहाँ पर छांट लिया है, और अब मैं आपसे थोड़ी सी बातें कर रही हूँ, लेकिन मेरा वॉइस अच्छा से नहीं आया, तो मैं भी यहाँ वॉइस ओवर कर ले रही हूँ कि आप सब प्लीज लाइक बिना करे हुए नहीं जाइएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।